दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए एक नया टॉपिक जो कि इंडियन नेवी से रिलेटेड है। तो दोस्तों टॉपिक पर जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी अपडेट आपके पास एंड टू एंड तुरंत तुरंत आ जाए। तो चलिए टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं। आज का टॉपिक है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। तो दोस्तों इसे शॉर्ट फॉर्म में LCU भी बोलते हैं और इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड डिप्लॉयमेंट, जो कि इंडियन नेवी के काम में आता है। और ये टैंक, बैटल टैंक होते हैं, आर्मामेंट व्हीकल होते हैं, ट्रूप्स होते हैं, इक्विपमेंट शिप टू सोर्स, मतलब जो जैसे किसी एक जगह से दूसरी जगह पर टैंक और आर्मामेंट व्हीकल्स और ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह अगर ड्रॉप करना है तो इस लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी का यूज किया जाता है। और इसके बहुत सारे मल्टी रोल भी होते हैं, जैसे कि बीचिंग ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, सप्लाई एंड रिप्लेसमेंट एंड इवैक्यूएशन फ्रॉम डिस्टेंस आइलैंड। जैसे कि दोस्तों कहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, जैसे कहीं बाढ़ वगैरह आ जाती है या फिर किसी चीज़ की सप्लाई करनी होती है, तो LCU का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसका डिवीज़न तीन तरीके से किया गया है। पहला डिवीज़न है कुंभी क्लास LCU, और दूसरा है MK3 क्लास LCU, तीसरा है दोस्तों MK4 क्लास LCU। दोस्तों कुंभी क्लास में तीन शिप अभी तक मतलब बनाए जा चुके हैं, और दोस्तों इसकी सेकेंड क्लास MK3 LCU है जिसमें दो शिप बनाए जा चुके हैं, और इसकी थर्ड क्लास है दोस्तों MK4 LCU जिसमें चार शिप अभी तक बनाए जा चुके हैं। पर इसमें दोस्तों आठ शिप बनाने का प्रोपेगेंडा दिया गया था स्टार्टिंग में, और जो कि अभी रिसेंटली एक LCU कमीशन किया गया है नेवी में, जो जिसके MK4 के अंदर आता है जो कि, और इसमें करीबन आठ शिप बनाने की बात प्लान बनाया गया था जिसमें से अब तक फोर शिप ही बनाए जा चुके हैं। दोस्तों इसके जनरल ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं, जिसकी लेंथ 62.8 मीटर होती है, डेप्थ 4 मीटर होती है, ड्रॉट इसका 1.7 मीटर होता है, डॉट को जैसे ढांचा होता है उसका, उसको 1.7 मीटर का बनाया गया है, और इसकी दोस्तों स्पीड होती है 50 नॉट, और इसमें ट्रूप्स की कैपेसिटी 160 होती है, जैसे कि एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रूप्स को ट्रांसफ़र करने के लिए मैक्सिमम 160 ट्रूप्स को ही एक प्लेस से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। दोस्तों इसमें क्रू मेंबर की जो संख्या होती है वो 56 के अप्रॉक्सीमेट होती है। और इसमें आर्मामेंट की बात करें तो इसमें दो CRN-91 नेवल गन लगी होती है, और दोस्तों इसमें दो HMG गन भी लगी होती हैं और 4 MMG होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर लेते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं INLCU L-54, जो कि रिसेंटली कमीशन की गई है इंडियन नेवी में। दोस्तों यह फोर्थ सिर्फ है जो कि MK4 में कमीशन किया गया है, और जो जहां से किया गया है वो पोर्ट का नाम है ब्लेयर पोर्ट। दोस्तों इसको कमीशन किया है अपने वाइस एडमिरल GS पैबी, जो कि ABSM, BSM एंड चीफ ऑफ मटेरियल हैं। और दोस्तों ये एक इंडोजीनियस शिप है जिसका कंस्ट्रक्शन गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग के द्वारा किया गया है, जो कि कोलकाता में है, जो शिप बिल्डिंग की एक कंपनी है जो इंडियन नेवी के साथ कंबाइन होकर शिप्स बनाती है। और इससे पहले भी इसने बहुत सारे बनाए हैं, जैसे कि LCU जो थर्ड क्लास के लिए, और MK3, और ये MK4 में लास्ट 3। एंड दोस्तों ये 830 टन वजन को कैरी कर सकता है, जिसमें कॉम्बैट इक्विपमेंट हो सकते हैं या फिर बैटल टैंक हो सकते हैं या फिर T-72 एंड अदर व्हीकल्स हो सकते हैं, जो वन प्लेस से दूसरी जगह पर ले जाने के काम में आते हैं। जैसे कहीं पे भी कहीं वॉर की कंडीशन बनती है तो हैंड टू हैंड तुरंत जैसे बैटल टैंक को पहुंचाना होता है, तो वो इस LCU के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है वन प्लेस से एंड अदर प्लेस के लिए।
क्योंकि बैटल टैंक की स्पीड दोस्तों इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए ऐसी शिप का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि तुरंत तुरंत अपने लोगों को शिप को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ले जाने में हेल्प मिले और जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।